जो हर वक्त चौधरी परवेज राय साहब की जानिब से जहूर पैलेस गुजरात में मौजूद होते हैं और जहूर राय हाउस के इंचार्ज भी हैं और इन्होंने हमेशा गुजरात के अवाम की बेलौस खिदमत की है और हम उन्हीं से जानेंगे कि आइंदा वो गुजरात के अवाम को क्या सरप्राइज और अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, बहुत मुबारक हो आपको कि अल्लाह ताला ने आपके लिए मेहरबानी की। दोबारा से पंजाब से हो गया लग रहे हैं, वरना ये पिछले 3-4 माह में ना ये जो नए आए थे ना बदमाश और ऐसे हुक्मरान डाकू, इन्होंने आगे तबाही मचा दी थी पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में। एक साजिश थी जिसके तहत ये आए हैं और इन्होंने आकर सारी हर चीज़ को तो बर्बाद कर दिया है, महंगाई काम को दिया है, लोगों के लिए लोगों के लिए रोटी खाना भी वो भी मुश्किल हो गया है। तो ये ऐसा ने मेहरबानी की है और जो तमीर तरक्की के काम हैं पंजाब भर में और बिल्कुल गुजरात में, अभी आप हैरान होंगे कि चौधरी मुनसलाई साहब ने ये शादमा से सरबत और दूसरा 1 करोड़ रुपये का सिविल मंजूर कराया था, लेकिन ये उसका जो चेहरा इधर है ना वो छोटा था लड़ाने वाला, उसने कहा है कि ये जो है ना सिविल इसको तो शहर से बाहर जा रहा है पेपर डाले में, वो कहते हैं इसको डाले जेल चौक में, यानी दोबारा से पानी सारा शहर में लेकर आ रहे हैं। इस तरह से दूसरे सारे मनसूबे इधर से ये उखाड़ रहे हैं वो उखाड़ रहे हैं, कोई दूसरा इसको बंद कर दे उसको बंद कर दे, अभी को अल्लाह के फजल से जहाँ से वो सफर खत्म हुआ था ना वहाँ से ही शुरू होगा करेगा, तो आपके दुआओं के साथ कामयाब होंगे और आप ही कामयाब होंगे। याद करो वो वेला के जदू गुजरात की हर जगह इज्जत थी एहतराम थी, लेकिन शरीफ फैमिली ने जो शहबाज शरीफ ने या हमदा शहबाज ने इन्हें ना सिर्फ गुजरात इंतकाम लिया बल्कि पूरे पंजाब का इंतकाम लिया। अज जनूबी पंजाब डुबे है मगर शहबाज शरीफ है या हमदा शहबाज है वो वजारत आला की जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ चौधरी परवेज अली साहब ने, चौधरी वजाह साहब ने, चौधरी मोनस अली साहब ने, चौधरी हुसैन अली साहब ने जो हमेशा खिदमत ताबेदारी की खातर करते हैं, तो सब की बिला तफरीक खिदमत करते हैं, कभी किसी को इंतकाम नहीं आया। मुबारकबाद पेश करना तो उन्होंने सारी कबीना जेडे गुजरात की शान वधा रहे ने, असी भरपूर मुबारकबाद पेश करने गुजरात आलियां नूं भी, गुजरात आलियां दी तरफों गुजरात के सरबराहां नूं भी। चौधरी परवेज लाई अपने महल्ले च कोई बंदा नहीं जानता, जिन्होंने अपने इलाके च कोई बंदा नहीं जानता, वह भी बयान देखते चौधरी परवेज अली साहब का बनना पूरे गुजरात की इज्जत है, पूरे गुजरात की जान मौल मैं वार मौला तेरे कर्म इस
ਖਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਇਦ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ कुकड़ी का गर्दन छुरी फेर गई वजीरे आ गई बारी फेरने आजी आ गई बारी फेरने आजी आ गई बारी फेरने आजी निकल गए हेलो वालेकुम सलाम अड्डे से बड़ी जंदा गड्डी मिर्जा यूनस कमर साहब भी गल करना चाहते ने जी मेरे तमाम कायदीन चौधरी परवेज लाई साहब चौधरी मोनस लाई साहब चौधरी वजाहत हुसैन साहब चौधरी हुसैन लाई साहब चौधरी मूसा लाई साहब तमाम खुशगुजार करने हैं कि आज का दिन साड़ी तारीखी फतह का दिन है आज के दिन की तारीख इंशाल्लाह पाकिस्तान की सुनहरी खरूफ लिखी जाएगी इंशाल्लाह चौधरी परवेज लाई जिंदाबाद चौधरी परवेज लाई जिंदाबाद वजाहत हुसैन जिंदाबाद मेरे जान सर बेशुमार बेशुमार मेरे जान सर बेशुमार बेशुमार अदलिया ने आज के पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि आज वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जिले विच सुप्रीम कोर्ट ते हमला किया जाता थी जिले विच अपनी मर्जी के फैसले ले जाते सन जिले विच अपनी मर्जी का किया जाता सी कि ये फैसला साडी मर्जी का ना आया कि जस्टिस क्यूम नु मारांगे कि साडी मर्जी का ना आया कि असीं इन्हां दीआं नंगीआं वीडियो कढांगे अज कित्थे गए ने उह बंदे जिहड़े इह गल्लां करदे सन अज इंशाअल्लाह साडे वज़ीरे आला चौधरी परवेज़ लाई साहब ने साडे श्री मुनस लाई साहब ने अंतक मेहनत करके साडे तमाम कायदीन ने अंतक मेहनत करके इह साबित किया है कि अलहमदुलिल्लाह गुजरात गैरतमंदा दी ते इज्जतदारा दी धरती है असीं अपनी इज्जत बचाना ते उहनूं संभालना जानदे हां।